तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में एक हम लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि इस तरह के जो फॉर्म है ये फॉर्म एक्सेल पे कैसे बनाए जा सकते हैं और इसके जो सारे फीचर्स है वो कैसे वर्क होंगे ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक एरिया जो है उसको ले लेता हूँ मैं और इसको हम यहाँ पे तो एक कलर जरूरी नहीं कि यही कलर देना है बट अपने हिसाब से जो कोई एक कलर ले लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपका जो व्हाइट का है अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ और यहाँ इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक रो यहाँ भी कॉलम भी छोड़ दिया और नीचे भी जो है दो तीन रो छोड़ देता हूँ। और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है इसकी बैकग्राउंड का कलर को कर देता हूँ मैं ग्रे। ठीक है सर। इसकी बैकग्राउंड कलर को मैं ग्रे कर देता हूँ, ज्यादा लाइट हो गया, लाइट ग्रे करना चाहिए था ना। मैं अब यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रे लाइट इससे ज्यादा ही लाइट हो जा रहा है तो ज्यादा डार्क हो रहा है, तो अब मोर कलर पे आ जाएंगे स्टैंडर्ड पे और हम जो है ये रहा हमारा। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि मर्ज नहीं करना है हमें, क्योंकि ये जो फर्स्ट में मतलब फीचर है मर्ज पे वर्क नहीं करेगा तो हमें मर्ज नहीं लेना है, तो हमें कॉलन को बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। इसको हम यहाँ से इसकी कलर जो है व्हाइट कर देते हैं और इसकी जो बॉर्डर है हम ग्रे कलर का बॉर्डर ले लेते हैं, ये इस तरह का ट्रांसफर लाइट मोटा वाला। ठीक है। उसके बाद वापस हम यहाँ पे एक कॉलम छोटा करते हैं और सेम इस वाले कॉलम को हम बड़ा करते हैं, इसको भी सेम कलर और बॉर्डर में भी हम सेम ले लेते हैं। फॉर्मेट सेल में जाते हैं, बॉर्डर यहाँ से हम सेम कलर लेते हैं सेकेंड वाला। ठीक है। उसके बाद ये बाकी के जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी चाहिए हमें, इसको बड़ा करते हैं और इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी मर्ज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा मर्ज किसको भी मत कीजिएगा। यहाँ बॉर्डर पे हम यहाँ ओके और ये इसकी गैप काफी ज्यादा है ना, एक रो डिलीट करते हैं गैप कम जाएगी, थोड़ा सा और गैप कम करना है थोड़ा सा और इस रो को छोटा कर दीजिए तो गैप कम जाएगा, या ज्यादा करना है गैप तो ज्यादा कर लीजिए। तो एक रो छोड़ के हम यहाँ भी आते हैं सेम इस दोनों को हम कॉपी करते हैं पासवर्ड के लिए, कॉपी इसको बड़ा और फिर यहाँ भी एक रो छोड़ के दूसरे रो पे आते हैं एक बार और पेस्ट करते हैं कंफर्म पासवर्ड। और ये काफी नीचे ज्यादा हो गया है तो इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं और लास्ट में ज्यादा ही डिलीट हो गया थोड़ा सा। अब चेक बॉक्स चाहिए हमें क्लिक करने के लिए, तो डेवलपर टैब में इंसर्ट में एक चेक बॉक्स होता है। ठीक है। अब इसमें इसके साथ साथ हम राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट कंट्रोल और इसको 3D कर देते हैं,
थोड़ा सा चेकबॉक्स की तरह दिखेगा। राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करते हैं और इसमें हम लिख देते हैं जो लिखना है, आई एक्सेप्ट द सम ऑफ यू एंड ये जो बटन है, ये बटन हम इंसर्ट से ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन से। और इसको भी यहां से ले सकते हैं, अगर छोटा करते हैं तो ज्यादा बड़ा हो गया, और इसको भी यहां से बड़ा और यहां से बड़ा। और इसमें हम लिख देते हैं इसको, यहाँ होम में आते हैं, सेंटर है टॉप यह कर देते हैं, इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। बैकग्राउंड जो है ये कुछ और चाहिए आपको, यहाँ से कुछ और ले सकते हैं, हमें ये मिल गया, ये बेटर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, एक लाइन और ऐड कर, और यहाँ और भी हैं, यहाँ पे चीजें लिख सकते हैं जो यहाँ दिया हुआ है कि ऑल रेडी हैव अकाउंट। अब आप सोच रहे हो, आगे से आपने बोला कि मुझे इस तरह काम नहीं पड़ता है, तो शायद दिमाग में आपको ये भी आ रहा होगा कि सर इसका कोई बेनिफिट तो नहीं लग रहा है, हम क्यों एक्सेल किस तरह का फॉर्म बनाएं। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, इसके बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली हमने काफी दिन पहले एक कंपनी में हम काम करते थे, ठीक है, उस कंपनी के अंदर में हमने मुझे 2007 के समय रिसेशन आया था, याद होगा आपको, तो इसमें एम्प्लॉई की बहुत नहीं चाहिए था, तो उन्होंने हमें क्या किया, जो एचआर में हमें ट्रांसफर कर दिया। अब एचआर में, अब मुझे आईटी का बंदा था, एचआर में भेज दिया, क्योंकि सर क्राइसिस का टाइम था तो जॉब तो करना ही था। तो वहां की कुछ दिन बाद वहां पे काम किया, कुछ दिन बाद जो है हम जो है उनका काम चला, तो क्या हुआ था कि उनका काम था हायरिंग करने का, मतलब कि वो कई सारे कंपनीज के लिए थर्ड पार्टी थे, तो वो हायरिंग करके वहां पे भेजते थे, तो उनके यहाँ डेली 50-60 हायरिंग होती रहती। तो वहां पे मेरा काम मिला इस ज्वाइनिंग का, कि कैंडिडेट आएंगे, उनसे उनका डॉक्यूमेंट लेना है, उनको फॉर्म फिल करने के लिए देना है, सारे फॉर्म कलेक्ट करना है, फॉर्म को चेक करना है, और उसके उसको जो है उसकी डॉक्यूमेंट से डिटेल चेक करनी है, ठीक है, और फिर उसको जो है डेटाबेस के अंदर में रजिस्टर करना है, बात समझे, एक काम था हमारा। तो अब प्रॉब्लम क्या था कि हम तो आईटी के बंदे थे, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि हम जो है हार्ड वर्क पे बिलीव करते नहीं हैं, हम तो स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं, और हमें मिल गया हार्ड वर्क। अब सोचिए कि बहुत बहुत ज्यादा काम करता था तब जाके एक दिन के अंदर में हमें बहुत ज्यादा काम किया, तो हमें एक दिन में 15-20 ज्वाइनिंग हो पाती। तो हमने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा,
हमने बॉस से बात की कि बॉस हम चाहते हैं ऑटोमेट कर, हम चाहते हैं कि सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर। बॉस ने ठीक, सैटरडे संडे ऑफ रहता था, मैं 2 दिन ऑफिस में ही रहा, घर नहीं आया। और उनके करीब 13 फॉर्म थे जो कि एमएस वर्ड से बने हुए, उन 13 फॉर्म को मैं एक्सेल पे डिजाइन किया कुछ इसी तरह से, सेम चीज पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और सारे फॉर्म को मैंने लिंक कर दी एक शीट की डेटाबेस, मतलब कि बंदा आएगा उसको 13 फॉर्म नहीं भरना है, वो एक सिस्टम पे बैठेगा और यहाँ उसको डिटेल, क्योंकि 13 फॉर्म में मैं डिटेल तो सेम था ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फादर फादर नेम मदर नेम एड्रेस क्वालिफिकेशन पिन नंबर यही था ना सर, किसी में कम किसी में ज्यादा किसी में अलग अलग तरीके से किसी में इधर उधर था। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे 13 फॉर्म के लिए चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमने एक शीट पर रखी, और बाकी 13 शीट को हमने इस शीट के डेटा से कनेक्ट कर दिया। मतलब बंदा यहाँ अगर उसने नाम लिख दिया सुधीर, तो 13 फॉर्म पे जहां जहां उसका नाम चाहिए उस तरह नाम पहुंच जाता है। अभी इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि 13 फॉर्म फिल हो गए और हमें जो उसकी डिटेल चेक करने के लिए बोल दी, चेक कर दिया, फिर बोले सबमिट बटन बना दिया, सबमिट पे क्लिक करो। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, सारी इंफॉर्मेशन मेरी एम्प्लॉय डेटाबेस में चली गई और सारे फॉर्म प्रिंट आउट होके आ गए। अब फोटो चिपकाना है और सिग्नेचर लेना है उनसे। तो जो ज्वाइनिंग की एक ज्वाइनिंग आधे से एक घंटे में होती थी, वो ज्वाइनिंग मुश्किल से 5 मिनट के अंदर में भी हो गई और 100% एक्यूरेसी के साथ। अब मेरी प्रॉब्लम थी थोड़ी सी हैंडराइटिंग, मुझे हैंडराइटिंग पढ़ने में अभी भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं नाम गलत टाइप कर देता था। नाम गलत टाइप होने से आई कार्ड गलत बनते थे, चेक गलत बनता था, पूरा उसी पर टिका हुआ था ना सर। इसलिए मैंने सिस्टम कर दिया ताकि अगर कोई छोटी डेट में कोई डिटेल गलत होती है तो एम्प्लॉई मुझसे ब्लेम नहीं करेगा, बोले भाई टाइप तुमने किया जैसा तुमने टाइप किया वैसा था, और काम आसान हो गया। तो ये जो ऑटोमेशन किया, मेरा पूरा दिन का काम था वो काम मैंने ऑटोमेट कर दिया, और जो है एक एक दिन में 50-50 ज्वाइनिंग में कर देता, मैंने पूरे एक एक हफ्ते, कभी कभी ऐसा होता था पूरे हफ्ते का काम कर देता, 2-3 PC लगा देता था, पूरे हफ्ते का काम खत्म। कॉन्फ्रेंस रूम में लगा दिया PC और प्रिंटर लगा दिया, 2-3 हफ्ते का काम एक ही बार में खत्म। और काम जो है स्पीड 100% एक्यूरेसी के साथ था। तो ये स्लोगन मेरा है ना क्लासेस का कि लर्न एडवांस स्मार्ट वर्क नॉट ए हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, ये डायलॉग मैंने उसी समय मारा था अपने मैनेजर को। मैनेजर ने बोला कि यार तुमने तो अपना काम ही खत्म कर लिया। तो मैंने बोला कि सर हम स्मार्ट वर्क करने में बिलीव करते हैं, जिसका मतलब हम बोला कि डू ए स्मार्ट वर्क नॉट ए हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो गधा भी करता। उसने ऊपर से नीचे मेरी तरफ देखा और बोला है कि तुमको प्रमोट किया जाता है, तुम आज से जो है रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए काम करोगे, सारे डिपार्टमेंट की क्रिटिकल रिपोर्ट को उठाओगे और तुम उसको कोई शॉर्टकट तरीका निकाल के उसको वापस दो। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर दिया, सिंगल फॉर्म क्रिएट हो गए, अब अच्छा लग रहा है सर। अब इसको मैं डिलीट, अब यहाँ पे जैसे नाम है फर्स्ट नेम, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिख दिया ना सर, तो कल की डेट में मैं नाम लिखूंगा तो फर्स्ट नेम ऊपर डिलीट मारूंगा तो ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक और रो यहाँ, एक और कॉलम इंसर्ट किया। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, सेम फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ, यहाँ ध्यान से देखिए, और इसको छोटा किया, इसको भी बहुत छोटा किया। तो मतलब है कि मैं जो लिखने वाला हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ देखिएगा फर्स्ट नेम, वो लिखने वाला हूँ उस सेल में, और इसकी कलर जो है हम ग्रे कर देते हैं, और इसको यहाँ इंडेंट होता है,
ठीक है। अब इस साइड का ए यहाँ पे हमने छोटा क्यों किया, क्योंकि तो साइड में जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका बैकग्राउंड हमें व्हाइट करना है, और इसपे हमें फॉर्मेट पे जाके ए देना है, तो एक पूरा फिल की तरह, समझे। अब मैं अब इसमें भी इसको भी मैं कर देता हूँ ए और बीच में, और इसको बोल्ड और बैक कलर कर दिया। अब मैं जैसे यहाँ पे हुआ, मैं यहाँ पे डाला पूजा, ना पूजा सिंह नाम दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई, ये इसमें बॉर्डर में आना है, ये हटा देना। पूजा सिंह दिख रहा है, जैसे मैं पूजा सिंह को डिलीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम। तो कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट क्या है। हाँ, इसका कहने मतलब है ये है कि जैसे हम यहाँ पे नाम लिखे, हमारे कुछ लेता हूँ मैं नेम लिखता हूँ, तो हम इंडेन से आगे कहीं भी मूव कर सकते हैं, हम इसको यहाँ रख दे सकते, ठीक है। वो यहाँ भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं है, जैसे इसके ऊपर कोई वैल्यू आएगी वो छुप जाएगा, जैसे वैल्यू डिलीट होगी दिख जाएगा, ठीक है। बट ये जो नेम है वो दिख यहाँ रहा है, लेकिन एक्चुअली कंटेंट कहाँ है, यहाँ है। कोई भी चेंजिंग वगैरह करना होगा आपको यहाँ करना होगा, समझ गए। और हमने इन दोनों को इस तरह से मिला दिया ताकि ये एक ही सेल लगे, मर्ज भी नहीं है, मर्ज करोगे तो फिर इस फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको, तो मर्ज भी नहीं है और यहाँ पे शो भी होगा। ओके सर, तो इस तरह की चीजों पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रोजेक्ट की।